हेलो गाइस, आप लोगों को शटर के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है मिररलेस कैमरा आने के बाद में जो DSLR वाला फिज़िकल शटर होता है वो कुछ मिररलेस कैमरास में दिखाई देता है और कुछ मिररलेस कैमरास में होता ही नहीं है। तो ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी के अंदर जो फ़र्क आया है इसके बारे में हम आज जानेंगे। वैसे शटर जो होता है आपके ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर को मैनेज करने के लिए काम में आता है, लेकिन शटर के दो अलग अलग तरीके हैं। फिजिकली जो शटर होता है उसको हम फोकल प्लेन शटर बोलते हैं, जो फिल्म के समय से वही शटर आता है, लेकिन जो मिररलेस कैमराज आए हैं इसमें आपको फोकल प्लेन शटर फिजिकली प्रेजेंट रहता भी है और कुछ कैमरास में इलेक्ट्रॉनिक शटर सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक शटर सिस्टम में फिजिकली कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, वो सेंसर खुद जो इमेज को रिकॉर्ड करता है उसको कैप्चर करता है, उसके मेथड से शटर बनता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और रिजल्ट में क्या फ़र्क आता है ये भी आज हम जानेंगे। पुराने जो SLR कैमरास रहते थे फिल्म वाले, उन SLR कैमरास के सिस्टम में डिजिटल SLR कैमरा के मैकेनिकल सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं था। डिजिटल SLR में जैसे शटर फिजिकली अवेलेबल होता है उसी तरह से, जिस तरह से पहले जो फिल्म वाले कैमरा थे उसमें भी शटर वैसा ही अवेलेबल होता था। जैसे ये कैमरा अगर आप देखेंगे तो ये फिल्म वाला SLR कैमरा है, लेकिन इस फिल्म वाले SLR कैमरा के अंदर आपको एक मिरर दिख रहा है, इसको हम रिफ्लेक्स मिरर बोलते हैं, और इस मिरर के पीछे आपको शटर नज़र आता है। ये जो शटर नज़र आ रहा है मल्टीपल ब्लेड्स का, ये जो शटर है यही मैकेनिकल शटर है, इसी को हम फोकल प्लेन शटर भी बोलते हैं, और ये शटर क्लिक करने के बाद में खुलकर बंद होता है और वो जो ड्यूरेशन होता है जितनी देर के लिए खुला होता है उसी को हम शटर स्पीड बोलते हैं, यानी कि एक्सपोजर का ड्यूरेशन भी बोलते हैं। तो ये जो मैकेनिकल शटर है आजकल के DSLR कैमरा में होता ही है, लेकिन कई मिररलेस कैमराज में ये शटर दिख नहीं रहा है, कई मिररलेस कैमराज में ये वाला शटर होता ही नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मिररलेस कैमरास सारे के सारे सेंसर बेस्ड कैमरास हैं और आपका व्यू फाइंडर जो होता है उसमें भी आपको लाइव टेलीकास्ट होता है सेंसर के थ्रू। पहले जो SLR कैमरा होते थे, फिल्म वाले हो या डिजिटल SLR कैमरा हो, दोनों में भी अगर आपके कैमरा में बैटरी ना भी हो तब भी अगर आप कैमरा को डायरेक्ट अगर शूट करने के लिए भी आपने देखा है तो होता क्या था कि आपको इसमें से व्यू फाइंडर में से इमेज डायरेक्ट नज़र भी आती है। क्यों? क्योंकि आपकी बैटरी का इस पाथ का कोई संबंध नहीं था। लेकिन आजकल के जितने भी मिररलेस कैमराज आते हैं उसमें अगर आप बैटरी नहीं डालते हो तो आपको व्यू फाइंडर में कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो व्यू फाइंडर पीछे वाला होता है उसके अंदर भी मॉनिटर ही होता है जो सेंसर के थ्रू टेलीकास्ट होता है। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना हो तो ये कंफर्म है कि सेंसर पे जब तक इमेज जाएगी नहीं तब तक लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मिररलेस कैमरास के अंदर शटर अगर हमेशा बंद रहेगा तो लाइव दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सेंसर पे आपके लेंस के थ्रू कोई इमेज जाएगा ही नहीं। तो उसके कारण जैसा भी ये मिररलेस कैमरा है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट सेंसर नज़र आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको जब भी लेंस में से इमेज बनकर जाएगी तो सेंसर पे जाएगी और सेंसर से सीधे आपको टेलीकास्ट हो रहा है, जिसके कारण आपको पीछे तरफ मॉनिटर पे या इस पीछे मॉनिटर पे या अंदर आप देख सकते हो, दोनों में भी इमेज दिखती है लेकिन
सेंसर के थ्रू बनी हुई ही इमेज दिखती है। अगर आपके कैमरा में अंदर शटर बंद होता तो सेंसर के ऊपर लाइट नहीं जाएगी, तो ये दिखेगा नहीं। तो इसलिए मिररलेस कैमराज में फिजिकल शटर ज़्यादातर कैमराज में नहीं होता है, लेकिन आजकल के प्रोफेशनल मिररलेस कैमराज में दोनों भी शटर अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक शटर और फिजिकल शटर दोनों भी अवेलेबल है। देखिए आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम DSLR कैमरा खरीदते थे तो DSLR कैमरा में मिरर भी होता था, पीछे शटर भी होता था और उसके पीछे तरफ सेंसर होता था, जिसके कारण शटर सेंसर के ऊपर धूल जाने से बचाता था। लेकिन मिररलेस कैमराज में ना मिरर है और अगर शटर भी नहीं है तो आप जैसे ही लेंस निकालोगे तो डायरेक्ट धूल आपके सेंसर पे चले जाएगी। तो ये सेंसर पे जो धूल जाती है इसके कारण आपको बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हम लेंस कभी भी कहीं पर भी बदलते रहते हैं। जैसे अगर मैं वाइल्ड लाइफ में जाता हूँ जंगल में, जैसे ही हमारी गाड़ी रुकती है तो बहुत धूल होती है गाड़ी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर टार रोड तो होता नहीं है, तो गीले रास्ते पे या कच्चे रास्ते पे जो भी आपका मिट्टी वाला रास्ता है उससे काफ़ी धूल उड़ती है। तो वो धूल उड़ने के बाद में अगर आपको अचानक एक कैमरा पे लेंस बदलना है, 600mm लगा हुआ है और कोई प्राणी नज़दीक आ गया तो उसके लिए आपने बोले 7200 लगाना है, तो आपने खोला तो डायरेक्ट सेंसर के ऊपर धूल चले जाएगी और वो रिजल्ट में दिखाएगा। तो इसलिए आजकल के कैमराज में, मिररलेस कैमराज में स्पेशली फिजिकल शटर भी देते हैं। जब आप लेंस खोलते हैं कैमरा ऑफ करके, जैसे कैमरा ऑफ किया तो शटर पहले नीचे आ जाता है, और आपने लेंस बदला तो शटर आपके सेंसर को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जब आप लेंस लगा देते हो और कैमरा ऑन करते तो शटर खुल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि शटर का काम खाली बफर देना, ऐसा नहीं है। सेंसर को बचाने के लिए उसका कवर का काम शटर कर रहा है, ऐसा नहीं है। जिन कैमराज में फिजिकल शटर होता है मिररलेस कैमराज में, उसमें शटर के दोनों मेथड काम करते हैं, मैकेनिकल शटर एंड इलेक्ट्रॉनिक शटर। आपको वहाँ पर चॉइस होती है, अगर आप कैमरा मैकेनिकल शटर के साथ यूज़ करना चाहते हो तो फिजिकल शटर हमेशा काम करता है। जो भी शटर स्पीड आप चेंज करते हो तो पुराना जो DSLR के टाइम पर शटर काम करता था वैसे ही इसमें भी काम करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शटर में आपका शटर हमेशा एक्सपोज्ड ही रहता है, ओपन रहता है, उस पर लाइट जा रही है और उसके लाइट जाने से ही आपको पीछे व्यूफाइंडर पे नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप क्लिक करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक शटर क्या करता है कि आपके सेंसर के ऊपर, ऊपर से लेके नीचे तक बारी बारी से वन बाय वन लाइन, पिक्सल की जो लाइन होती है उसको एक्सपोज करते हुए नीचे के लाइन तक जाता है। इसी को शटर स्पीड भी बोला जाता है। अगर आपने 1/8000 भी रखा तो 1/8000 के लिए ही लाइट रिकॉर्ड करता है हर एक पिक्सल। तो ऐसा ही शटर होता है, जैसे ये इसके अंदर जो सेंसर दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड रखते हैं तो वैसा ही रिकॉर्ड करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शटर के अंदर दो टाइप के होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक होता है रोलिंग शटर और एक होता है ग्लोबल शटर। ये शटर फिजिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके लाइट को कैप्चर करने के मेथड के ऊपर ये दो अलग अलग मेथड सिस्टम बने हुए हैं। जैसे अभी जो मैंने 1/1 लाइन बाय लाइन रिकॉर्डिंग की बात की है वो रोलिंग शटर के अंदर ही आता है, और जो फिजिकली जो शटर होता था पहले वो भी रोलिंग शटर की तरह ही काम करता था। लेकिन ग्लोबल शटर में ये होता है कि जब आप क्लिक करते हो तो सारे पिक्सल एट ए टाइम, सारे पिक्सल उतने समय के लिए लाइट को कैप्चर करते हैं और सेव करते समय सारे 1/1 भेजेंगे। यहाँ रोलिंग में ये हो रहा है कि रिकॉर्डिंग ही अलग अलग समय पे हो रही है, ग्लोबल में एट ए टाइम रिकॉर्ड हो रहा है और सेव करते समय 1/1 पिक्सल का इन्फॉर्मेशन सेव हो रहा है। तो ये दोनों में मेजर फर्क है। लेकिन अब इसमें आपको रोलिंग शटर और मैकेनिकल शटर के कुछ ड्रॉबैक्स और प्लस पॉइंट्स बताता हूँ मैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक शटर पे आप कोई फोटोग्राफी करते हैं तो क्लिक की आवाज़ नहीं आती है। अगर आप कोई म्यूज़िक शो में, रिकॉर्डिंग्स में
या आप सिम्फनी के अंदर कहीं शूटिंग कर रहे हो या फोटोग्राफी कर रहे हो, तो ये बहुत काम करता है, क्योंकि क्लिक का आवाज़ आता ही नहीं है, तो किसी को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। जिस जगह में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वहाँ पर क्लिक की आवाज़ बहुत डिस्टर्ब करती है। जैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ में भी जब जाते हैं, तो जब हम मैकेनिकल शटर के कैमरास को क्लिक करते हैं, तो कई बार आगे वाला जानवर जो भी होता है वो डिस्टर्ब होके चला जाता है उस शटर के आवाज़ के वजह से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक शटर होता है उसके अंदर बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है, तो उसका एक बेनिफिट है। मैकेनिकल शटर में शटर सिंक्रोनाइजेशन फॉर फ्लैश जो होता है उसका लिमिटेशन होता है। अगर आप हाई स्पीड सिंक्रोनाइजेशन करते हो तो अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शटर में थोड़ा सा वो बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप मैकेनिकल शटर में 200 शटर स्पीड तक अगर आपके पास में सिंक्रोनाइजेशन अवेलेबल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। और मैकेनिकल शटर स्पीड वो मैकेनिकल होने की वजह से 1/8000 सेकंड तक उसके अंदर हाईएस्ट शटर स्पीड की फैसिलिटी आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड में आजकल के कैमरास 1/32000 के भी देते हैं, तो ये मेजर डिफरेंस है। होप ये डिफरेंस आपको पसंद आया होगा। वैसे मैकेनिकल शटर और इलेक्ट्रॉनिक शटर के बीच में बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको छोटी जानकारी जो आपके काम में आती है उतनी ही बताया। आप लोगों को इसी तरह के कोई और नए टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप खुद मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो, तो अगली बार मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।